आप सभी को टेक्निकल ज्ञान इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफ्रोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूर मापन में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ओलिमस मोनास सबसे बड़ी ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल। बादल का गरजना किस वायुमंडल के परत में होता है? शोभ मंडल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? पांडी की खाड़ी। महासागरों में उलटने वाला ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम वेवेल ने। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति के। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र गति से परिक्रमा करती है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करते हैं? 88 दिनों में। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कॉपरनिकस ने। किस ग्रह का सूर्य की परिता परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। किस ग्रह को लेटाओ ग्रह कहते हैं? यूनेरस को। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूनेरस। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु
कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को अंकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने।